आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। कवर्धा हिंसा मामले में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ बंद करने को कहा है कि सितंबर यानी शनिवार को पूरा प्रदेश बंद रखने की बात कांग्रेस ने कही है। हालांकि छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक में यह तय हुआ कि बंद को व्यापारी समर्थन नहीं देंगे। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि इतने शॉर्ट नोटिस पर प्रदेश की दुकानों को बंद करना संभव नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला देकर आज छत्तीसगढ़ बंद रखने को कहा था। आज सुबह से कांग्रेसी कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ बंद करने के लिए निकले हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने इस बारे में अपनी बात रखी। देखिए, छत्तीसगढ़ बंद क्यों कराया गया, क्यों बंद कराया जा रहा है? आज मेरे पीछे आप देख रहे हो, पूरा बंद है, सौ स्कूल बंद है। आप सबको पता है कि चैंबर ऑफ कॉमर्स ने हमें समर्थन नहीं दिया, मगर आज क्यों बंद है? आज व्यापारी भी इस सरकार से दुखी है, आज व्यापारी भी आज हमको मौन समर्थन कर रहा है, आज व्यापारी भी एक दीपक बैज के कहने पर, उनके एक छोटे से निवेदन पर आज पूरा प्रदेश बंद हो गया। जबकि सबको पता है कि छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कांग्रेस के सरकार के दबाव में उन्होंने हमें समर्थन नहीं दिया, मगर उसके बाद भी आप देखो पूरा प्रदेश बंद है। तो मुझे लगता है कि जो उज्ज्वलित घटना हो रही है, जिस तरीके की हत्याएं हो रही है, हम सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित इंसान स्थान हम थाने को मानते हैं, वहां हत्या हो जा रही है। हम सबसे सुरक्षित स्थान हम जेल को मानते हैं, वहां हत्या हो जा रही है। हम सबसे सुरक्षित इंसान जहां पर 24 घंटा आवाजाही रहती है, हम बस स्टैंड को मानते हैं, वहां किसी महिला का बलात्कार हो जाता है। तो ये सरकार चल रही है। तो मुझे लगता है जो छत्तीसगढ़ शांति का टापू था, जो छत्तीसगढ़ शांति का पूरा एक चारों तरफ जो रमा हुआ था, आज वो छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया। सर, आज जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान करने के निकले, इसके लिए आप बताइए, इस पे आपको धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद देता हूं मैं, छत्तीसगढ़ के पूरे व्यापारियों को, दुकानदारों को, जिन्होंने हम लोग को व्यापक समर्थन दिया कम समय में बंद का आह्वान के बाद। ये कवर्धा की घटना इतना बर्बरता निर्दयता पूर्वक मानवीयता का हद पार हो गई। अगर समय से अगर प्रशासन सजग रहती तो तीनों मौतें रोक सकती थी, लेकिन पुलिस प्रशासन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए प्रशांत साहू के थाना में पीट पीट कर, बेरहमी से पीट कर उनको मार दिया जाता है। क्या यही विष्णुदेव सरकार की सुशासन है? क्या पुलिस प्रशासन अब सजा देने लग गई है, वो भी मौत की सजा? इसलिए परिवार चाहता है न्याय मिलना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी ने आह्वान किया कि पूरे प्रदेश बंद रहेगा। हम लोगों ने स्वयं पूरे कार्यकर्ताओं के साथ सवेरे 5 बजे से बंद कराते, शांतिपूर्वक बंद कराते आज पूरे रायपुर में निकले हैं और सपूर्त बंद हुआ है, सभी लोगों ने समर्थन दिया। निश्चित रूप से व्यापक समर्थन और व्यापक बंद रहा पूरे प्रदेश में, निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। लेकिन क्या किसी थाने से हटा देने से, किसी को थाना बदल देने से, सस्पेंड करने से, एसपी कलेक्टर को हटा देने से ये क्या न्याय हुआ, न्याय मिलेगा? इस नहीं, ये तो कांग्रेस के दबाव में हटाया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उस पीड़ित और पीड़ित परिवार के लिए सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा से तैयार है। ये गृह मंत्री जी के जिले में जहाँ से वो है उसके लिए बिल्कुल, गृह मंत्री का गृह ग्राम, गृह विधानसभा, उनका गृह जिला नहीं संभल पा रहा है तो प्रदेश क्या संभलेगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी से हम लोग सीधा सीधा निवेदन किए, बोले कि उनको बर्खास्त करिए। सरकार तो बोलने को तैयार नहीं है, सरकार तो पूरे नाकामियों को छुपाने में है। वो तो चाहते थे कि बॉडी को रातों रात दफना दे, वो तो हाथरस की घटना की तरह गृह मंत्री 1:30 बजे रात को बॉडी लेके जाते हैं, किस मंशा से जाते हैं वो। लेकिन वहाँ के गांव वाले और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सजगता की वजह से ये सच्चाई खुली है और सच्चाई दुनिया के सामने, छत्तीसगढ़ के सामने है, पूरे देश की जनता ने देखा है। इतनी बर्बरता मैंने आज छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं देखा। इसलिए निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ की पूरी जनता में आक्रोश है, उसी का नतीजा है कि शांतिपूर्वक आज हम लोग कांग्रेस की अपील पर पूरे प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को समर्थन किया, साथ दिया, इसके लिए धन्यवाद।